गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज व्याख्या का अगला खंड आपके सामने लेकर मैं आया हूँ। जो शुरुआत है, जहाँ से व्याख्या शुरू की जा रही है, उसकी पहली लाइन है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। यहाँ से लेकर जो लास्ट की लाइन है वो ये है, हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलालों ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। यहाँ तक व्याख्या खंड में ले रहा हूँ। इस व्याख्या खंड में मुख्य रूप से लेखक ने, मुंशी प्रेमचंद जी ने, पंडित अलोपी दीन के चालान होने के पश्चात, गिरफ्तार होने के पश्चात के परिस्थितियों का और घटनाओं का जिक्र किया है कि गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार होने के पश्चात उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। न्यायालय की लोगों की दशा दिशा क्या है, इस घटना के प्रति समाज क्या सोचता है, लोग क्या सोचते हैं, न्यायालय की क्या प्रतिक्रिया रहती है, न्यायालय का क्या रुख रहता है, क्या न्याय की क्या स्थिति रहती है, इन्हीं सारी चीज़ों को इस व्याख्या खंड में लिया जा रहा है। शुरुआत होती है कि दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, अर्थात रात में ये सारी घटना हुई। लेकिन यहाँ लेखक कहना चाहता है कि ये खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। लोग सो रहे थे लेकिन लोगों की जबानें बंद नहीं थीं, संदेश का प्रसारण बंद नहीं था। यह खबर रातों रात पूरे जिले में, पूरे क्षेत्र में फैल गई और सवेरे सभी बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। जैसा कि आजकल अगर कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा अधिकारी, कोई बड़ा बिजनेसमैन या कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, अगर उसके ऊपर कोई जेल जाता है या कोई चार्ज लग जाता है या कानून के शिकंजे में आता है, तो उसकी चर्चा चारों तरफ शुरू हो जाती है। वैसे ही पंडित अलोपी दीन की चर्चा चारों तरफ शुरू हो गई। अच्छा, यहाँ पर खास तौर से ये बात है कि चर्चा तो शुरू हो गई, लेकिन किस बात की चर्चा? इस बात की चर्चा नहीं हो रही है, अरे पंडित अलोपी दीन ने इतना गलत कार्य कर दिया। नहीं, पंडित अलोपी दीन गिरफ्तार हो गए, नहीं, बल्कि इस बात की चर्चा है, वो सब जानते हैं कि पंडित अलोपी दीन या उनके जैसे लोग गलत काम करके ही इतने पैसे वाले, इतने अमीर बने हैं। लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इतना ताकतवर इंसान कानून के शिकंजे में आ कैसे गया, इतनी छोटी सी बात पर उसकी गिरफ्तारी कैसे हो गई। यहाँ पर पृष्ठभूमि में एक ईमानदार अधिकारी का जो कृत्य है वो छुपा हुआ है, जिसने इस खबर को इतना सनसनीखेज बना दिया। बहुत से लोग गिरफ्तार होते हैं, बहुत से लोग कानून के शिकंजे में आते हैं, लेकिन एक क्षेत्र के सबसे धनी और ताकतवर इंसान का कानून के शिकंजे में आना समाज की उस मानसिकता को बताता है कि समाज गलत चीज़ों को एक्सेप्ट तो कर ही चुका है, बल्कि वो गलत चीज़ें कैसे कानून के शिकंजे में आ गई, इस बात का समाज को, समाज के लोगों को आश्चर्य है। वो सब जानते हैं कि ये जो समाज के शक्तिशाली तथाकथित जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्होंने गलत काम करके ही ये सारी ताकत, ये सारा धन, ये सारा ऐश्वर्य और मान सम्मान अर्जित किया है। ये समाज उनके सामने नतमस्तक होता है, ये जानते हुए कि जो इनकी लंका है, जो इनके इनका साम्राज्य है,
उसकी ईंटें ईमानदारी पर नहीं रखी हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उसके आगे नतमस्तक होते हैं, क्योंकि समाज में बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें स्वीकार की जा चुकी हैं हमारे समाज में। वही बात यहाँ पर वो कह रहे हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर वो कहते हैं कि आलोपी दीन ने यह कर्म लोग इसलिए विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि आलोपी दीन ने यह कर्म क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के शिकंजे में फंस कैसे गए। जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह कानून के पंजे में कैसे आए। अर्थात समाज मानता है कि जिसके पास धन हो, जिसके पास ताकत हो, जिसके पास व्यवहारिक बुद्धि हो, वह कभी कानून के शिकंजे में नहीं आ सकता, वह चाहे जितना ही गलत कार्य करे। अब यहाँ पर खास बात यह है कि सभी लोग मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि मानो संसार से पापी का पाप कट गया, पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजना मचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, सब के सब देवताओं की भांति गर्दने चला रहे थे। मतलब उनको एक प्रतिष्ठित आदमी के ऊपर पहली बार कमेंट करने का, आलोचना करने का मौका मिल रहा था, इसलिए जैसे लग रहा था कि वो सब सच के अलंबरदार हैं, सच की प्रतिमूर्ति हैं, और इसीलिए आलोपी दीन जैसे भ्रष्ट बेईमान इंसान की आलोचना कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ये समाज में हमेशा ऐसा होता है। अब यहाँ पर सुबह दूसरे दिन उनको अदालत में पेश किया जाता है। लेखक कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि अदालत में पहुँचने की देर थी, पंडित आलोपी दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अगाध वन के सिंह थे, अर्थात ये जो पूरा सिस्टम है वो जंगल की तरह है, और इस जंगल में पंडित आलोपी दीन सिंह की तरह थे, अर्थात उन्हीं की चलती है, उन्हीं की गर्जना सुनाई देती है, उन्हीं का शासन चलता है। भले ही बड़े बड़े अधिकारी होंगे, जज होंगे, कलेक्टर होंगे, मंत्री होंगे, लेकिन इस पूरे व्यवस्था के मूल में पंडित आलोपी दीन जैसे धनाढ्य व्यक्ति हैं, जिनके धन से व्यवस्था चलाने का प्रयास किया जाता है। इसलिए वो कहते हैं, अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक, और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। इस न्याय व्यवस्था का हाल देखिए कि सब कुछ जैसे बिका हुआ है। उन्हें देखते ही चारों तरफ से लोग दौड़े। अब यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था की बात थी, ये न्याय कैसा है, न्यायपालिका कैसी है, वो कहते हैं कि जैसे ही वो आए, वैसे वकीलों की एक बहुत बड़ी सेना गठित हुई, और इस आक्रमण को, अर्थात उनको मुक्त कराने के लिए पूरी तरह जुट गई। अब यहाँ पर न्याय के मैदान में धन और धर्म दोनों में युद्ध ठन गया। अब यहाँ मुंशी वंशीधर तो एक, वो भी एक पक्ष के रूप में है, यहाँ तो सर्वे सर्वा न्यायपालिका में सर्वे सर्वा जज हैं, वकील हैं, मुख्तार हैं, और यहाँ पर तो सब लोग बिके हैं। यहाँ का तो स्पष्ट नज़ारा है, वंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास सत्य के सिवा कोई बल नहीं था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र, गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। अर्थात जो बदलू राम था वो
गवाही देता? जो उनके विभाग के लोग थे, क्या वो गवाही देते? उनको डर भी था और लोभ भी था, दोनों ही था, इसलिए सत्य को खिंचा हुआ महसूस करते हैं मुंशी वंशीधर। अब यहाँ पर इसीलिए मुंशी वंशीधर जब देखते हैं कि न्यायपालिका में जो वहाँ की व्यवस्था है उस पर पक्षपात का नशा सवार है, और जहाँ पक्षपात हो वहाँ पर न्याय की कल्पना ही कहाँ की जा सकती है। इसलिए वो कहते हैं कि जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, तजवीज़ मतलब निर्णय, लिखा क्या लिखा, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण भ्रामक और निर्मूल हैं, अर्थात उनके खिलाफ जो आरोप लगाया गया था, उनका जो सबूत प्रस्तुत किया गया, उन सारे प्रमाणों को, उन सारे दलीलों को बिल्कुल भ्रामक और निर्मूल अर्थात पूरी तरह बेकार घोषित कर दिया गया। जहाँ पे न्यायपालिका ऐसी हो वहाँ उस न्यायपालिका से न्याय की क्या उम्मीद की जा सकती है। वो आगे कहते हैं, पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण भ्रामक और निर्मूल हैं, वह एक बड़े भारी आदमी हैं, यह बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। नमक एक ऐसी वस्तु थी जो सभी को जरूरी वस्तु है, सभी के लिए, चाहे वो अमीर हो गरीब हो। यहाँ पर न्यायपालिका उनके पद को, उनके प्रतिष्ठा को, उनके धन के साम्राज्य को दृष्टिगत रखते हुए ही निर्णय देता है। जो तात्कालिक जो सबूत हैं, जो तात्कालिक गवाह हैं, उनको वो पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है। इसलिए वो कहता है कि इतने बड़े आदमी थोड़े से लाभ के लिए नमक की तस्करी कैसे कर सकते हैं। अब स्थिति क्लियर है, स्थिति एकदम साफ है कि उनको पूरी तरह दोषमुक्त कर दिया गया है। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं। अब अच्छा, यहाँ पर न्यायपालिका ने मुंशी वंशीधर को ही दोषी पाया कि उसने इस तरह से एक बड़े भारी आदमी पर, एक बड़े आदमी पर इस तरह के आरोप लगाकर उसने बहुत बड़ा दुस्साहस का कार्य किया है। इसलिए न्यायपालिका कहती है कि यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट सहना पड़ा। एक ईमानदार अधिकारी को, एक कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को हमारी न्यायपालिका क्या कहती, उद्दंड और विचारहीन, अर्थात बिल्कुल बदतमीज, और जिसके पास सोचने समझने की कोई, विचारहीन मतलब सोचने समझने की कोई ताकत ना हो, जिसके जो चाहे पागलों की तरह किसी को कह दे और कर दे। न्यायपालिका ऐसे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के प्रति ऐसी टिप्पणी करती है और उनको क्या कहती है, पंडित आलोपी दीन को भले मानुष, इस व्यवस्था में ऐसे लोग भले मानुष कहलाते हैं, अच्छे लोग कहलाते हैं, जिनके पास धन की ताकत है वो इस व्यवस्था में अच्छे लोग होते हैं, सज्जन होते हैं, यही लोग केवल गुण चरित्र योग्यता हर दृष्टि से अच्छे और काबिल माने जाते हैं। वो न्यायपालिका आगे कहती है, हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। यहाँ पर चूँकि नमक विभाग बहुत बदनाम था और रिश्वत और भ्रष्टाचार की चरम थी, इसलिए कहता है कि इस नमक विभाग के भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी ने इस मुंशी वंशीधर के विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। अब समझ लीजिए कैसी टिप्पणी है ये, और वो वार्न करती है कि उसे भविष्य में होशियार रहना चाहिए, नहीं तो इसके साथ न्यायपालिका सख्त से सख्त कार्यवाही करेगी। इस तरह से इस पूरे न्यायपालिका को, समाज की मनोदशा को और इस पूरे सिस्टम के प्रति जो नज़रिया है मुंशी प्रेमचंद जी का,
उन्होंने इन कुछ पैराग्राफ्स के माध्यम से, इस नमक के दारोगा कहानी के इस व्याख्या खंड के माध्यम से उन्होंने व्यक्त करने का प्रयास किया है।